बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बैंक अल इस्लामी की जानिब से आप किसी भी किस्म की गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे वो अपने कारोबार के लिए आप गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे वो आप शौकिया तौर पे अपने घर के लिए कार लेना चाहते हैं कहीं आने जाने के लिए, या फिर आप किसी भी किस्म की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो बैंक अल इस्लामी आपको 2,50,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का बिला सूद कर्ज़ा फराहम करता है। इसके ऊपर इनका एक फतवा भी मौजूद है, बहुत से उलमाए किराम के इसके ऊपर साइन भी मौजूद है। बैंक अल इस्लामी का कहना है, हम जो 1 करोड़ रुपए तक आपको कर्ज़ा दे रहे हैं, बिला सूद कर्ज़ा दे रहे हैं, ये बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो आपने पैसों को वापस करना होगा, जितने भी पैसे आप लेते हैं बैंक अल इस्लामी से गाड़ी लेने के लिए, आप 5 लाख रुपये लेते हैं, 10 लाख रुपये लेते हैं, 50 लाख रुपये लेते हैं, 1 करोड़ रुपये लेते हैं, जितने भी पैसे आप लेते हैं आपने 7 सालों के अंदर इनको वापस करना होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इस्लामी बैंक से ले रहे हैं और कितने सालों के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आपने महाना किस्त कितनी अदा करना होगी और आप कितने रुपए की बिला सूद गाड़ी ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की तफसील की जानिब जाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैंक अल इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक अल इस्लामी की जानिब से किसी भी किस्म की, चाहे वो आप अपने कारोबार के लिए लेना चाहते हैं, चाहे वो आप अपने घर के लिए कार लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप न्यू गाड़ी भी ले सकते हैं। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बैंक अल इस्लामी आपको वो भी लोन प्रोवाइड करता है, पुरानी गाड़ी के लिए भी आप पुरानी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यू गाड़ी की। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आपने जो अमाउंट जितने भी आप लेंगे बैंक अल इस्लामी से कार लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, तो आपको 1 साल से लेकर 7 साल का वक्त दिया जाता है। आप 2 साल के लिए भी ले सकते हैं बिला सूद कर्ज़ा, आप 3 साल के लिए 4 साल के लिए 5 साल के लिए जितने सालों के लिए आप बिला सूद कर्ज़ा लेकर गाड़ी ले रहे हैं, आप उतने ही सालों में आपने इसको वापस करना होगा। एक बंदा कहता है जी मैं 7 साल में पैसे वापस करूंगा, एक बंदा कहता है जी मैं 4 साल में पैसे वापस करूंगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको बताया गया है, अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं बैंक अल इस्लामी की जानिब से, जो कि आपको बिला सूद कर्जे के तौर पर दी जा रही है, अगर आप बैंक अल इस्लामी की जानिब से गाड़ी लेते हैं, तो 15% जो अमाउंट है वो आपको अपने पास से अदा करना होगी। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम जो है वो 90% है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको एक मिसाल के साथ समझा देता हूँ। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, एक बंदा कहता है मैं न्यू गाड़ी लेना चाहता हूँ जिसकी मालियत है 1 करोड़ रुपया, तो बैंक आपको ये कहता है कि आपने अपने पास से 15 लाख रुपया देना होगा। ठीक है, बाकी जो 85 लाख रुपये है वो बैंक अल इस्लामी आपको फ्राहम करेगा गाड़ी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको समझ आ गई। अब दूसरे नंबर पे एक दूसरा बंदा है, वो कहता है कि मैं गाड़ी ले रहा हूं 1 करोड़ रुपए की, मेरे पास 50 लाख रुपए पहले से मौजूद हैं, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए बैंक अल इस्लामी से, ताकि मैं जो मेरी अमाउंट रहती है 50 लाख रुपए, मैं वो भी अदा कर सकूं और 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले सकूं, तो बैंक अल इस्लामी आपको 50 लाख रुपया भी दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, आपने 15% जो अमाउंट है वो अपने पास से आपने अदा करना होगी जब आप न्यू गाड़ी ले रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आप मैक्सिमम कितनी अमाउंट आपको दी जाती है, कम से कम कितनी अमाउंट आप ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसों की आप गाड़ी ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी की जानिब से। 2,50,000 रुपये की भी आप गाड़ी ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी से, और 1 करोड़ रुपये तक की भी आप गाड़ी ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी की जानिब से। ठीक है दोस्तों, यानी 2,50,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में आपको बिला सूद पैसे दिए जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए बैंक अल इस्लामी की जानिब से। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लाख रुपए लेते हैं बैंक अल इस्लामी से, कितने लाख रुपए की गाड़ी आप लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है प्रोसेसिंग चार्जेस जितने भी होंगे वो आपने अपने पास से अदा करना होगी। सबसे पहले नंबर पर आपने एप्लीकेशन देना होगी, तो एप्लीकेशन के ऊपर 1200 रुपया लगेगा, वो आपने अपने पास से अदा करना होगा। अगर आप 1 मिलियन की गाड़ी लेते हैं तो आपको 6,300 रुपया यानी 6,300 रुपया देना होगा, या कि प्रोसेसिंग फीस होगी। ठीक है,
इसके बाद नीचे आपको बताया गया है अगर आप 10 मिलियन की यानी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं बैंक अलिस्लामी से तो फिर तब भी आपको 6300 रुपया जो है कि प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपको देना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे आपको बताया गया है अगर आप 10 मिलियन की गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको 15600 रुपया जो है वो इसकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो आपको अदा करना पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बता दिया क्लियर कट के प्रोसेसिंग चार्जेज जितने भी होंगे वो आपने अपने पास से अदा करना होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है ट्रैकर इंस्टॉलेशन, ये आपको पहले से इंस्टॉल करके दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आखिर में आपको बताया गया है तकाफुल, ये जो इन्होंने शरह यहाँ पे रखी है 1.85 से लेकर 2.8 तक, ये आपने अपने पास से अदा करना होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्लियर आपको बता दी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया है कि बैंक इस्लामी का ये कहना है कि ये जो हम आपको बिला सूद पैसे दे रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए ये बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, इसमें किसी किस्म का सूद वाला जो सिस्टम है वो इसमें शामिल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे फतवा दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप फतवे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें से जो भी ओपन करना चाहें आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 3 मुफ्ती हजरात हैं जिनके साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये कहना है कि हम आपको जितना भी पैसे देंगे वो बिला सूद देंगे। ठीक है, इसमें सूद का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे मैं आपको बता देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन आदमी है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है कार लोन के लिए और कौन आदमी है जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, आपकी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको बताया गया है इनकम जो आपकी है मंथली वो 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 40,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50,000 रुपया। इसके बाद आपको नीचे बताया गया है एज लिमिट, अगर आप सैलरी पर्सन है, आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी 21 साल एज होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। ठीक है, तो जब आपकी ये मुद्दत ख़त्म होगी यानी आप 5 साल के लिए कर्जा ले रहे हैं, 10 साल के लिए कार लोन ले रहे हैं, तो आपकी जो एंड वाली एज है वो 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, स्टार्ट वाली है कि आपकी जब आपने अप्लाई करना है उस वक्त आपकी एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप बैंक इस्लामी से गाड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है आपकी स्टार्टिंग एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एज है वो 65 साल होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जब आपने अप्लाई करना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना लाजमी है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना कीजिएगा, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन दी जाएगी आपने उसको मुकम्मल तौर पे फिल करना होगा, बैंक इस्लामी के अंदर ही आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि आपने इसके ऊपर अपने साइन वगैरह लाजमी तौर पे करने हैं, जहाँ जहाँ पे आपको कहा गया है आपने वहाँ पे अपने साइन करने होंगे। इसके बाद आपको बताया गया है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना लाजमी है ओरिजिनल, जिसके ऊपर बैंक की मोर लगी हो, ठीक है, बैंक स्टैंप लगी हो। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपके पास जो है सैलरी स्लिप का होना लाजमी है। ठीक है, असल जो आपकी सैलरी स्लिप है वो आपके पास होनी लाजमी है। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है सिग्नेचर जो है वो आपके फॉर्म के ऊपर लाजमी तौर पे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है कि 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपके पास होना लाजमी है, वो आपकी गवाही दे जो प्रूफ आपके पास है कि ये बंदा पिछले 1 साल से नौकरी कर रहा है, ऐसा ना हो कि ऐसा बंदा डिमांड कर दे बैंक अलिस्लामी से 50 लाख रुपए की गाड़ी की जो बंदा पैसे वापस ही नहीं कर सकता, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पिछले 1 साल से नौकरी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नीचे आपको बताया गया है क्लियर एंड विजिबल कॉपी ऑफ CNIC, आपने CNIC की कॉपी आपने इनको क्लियर देना होगी, वो ब्लर ना हो, किसी किस्म को उसके ऊपर डिफॉल्ट ना हो, बिल्कुल क्लियर आपने CNIC की कॉपी इनको फराम करना होगी। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है 2 फोटो आपने अपनी देनी होगी पासपोर्ट साइज की बैंक को। इसके साथ साथ आपको बताया गया है प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो आपके 1200 रुपए होंगे, वो आपने अपने पास से अदा करना होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नीचे आपको बताया गया है अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, आपने इनको पढ़ लेना है, सारी की सारी वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दी है जो कि एक सैलरी पर्सन के लिए है। सिर्फ 1-2 चीज़ों का यहाँ पे इजाफा किया गया, अगर आप टैक्स देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को तो उसका आपके पास सबूत होना चाहिए और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए।
चाहिए। अगर आप किसी के साथ बिजनेस मिलकर कर रहे हैं, जो आपका पार्टनरशिप दोस्त है, जो भी आपका कुछ लगता है, तो उसके आपका जो इजाजतनामा है वो भी आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे नीचे बता दी गई हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं एक न्यू गाड़ी ले रहा हूँ बैंक अल इस्लामी से, तो महाना मुझे किस्त कितनी अदा करना पड़ेगी, तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको दे देता हूँ, बाकी चीजें आपने खुद क्लियर कर लेनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं अगर हम 8 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं बैंक अल इस्लामी से, तो महाना किस्त हमें कितनी अदा करना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 8 लाख रुपया लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 8 लाख रुपए लिख दिया है। इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैं कितने सालों के लिए ये गाड़ी ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 7 साल लिख देता हूँ कि मैं 7 सालों के अंदर ये पैसे वापस करूंगा, ठीक है, 7 साल के लिए मैं गाड़ी ले रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कस्टमर इक्विटी आपकी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे 15% जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने बताने इनको है कि आप सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेस मैन है, तो मैं यहाँ पे सैलरी पर्सन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो नीचे आपको बता दिया गया है 15,474 रुपये आपने महाना किस्त बैंक को अदा करना होगी, ठीक है, अगर आप 8 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं उसकी असल प्राइस कितनी है, और आप अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी प्राइस कितनी है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगी। और सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने चेक करने का आपको तरीकाकार बता दिया है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट बता दी हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात आ जाती है कि आपने अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम आपने लिखना होगा, आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर इनको बताना होगा, सिटी आपने यहाँ पे अपनी लिखनी होगी, ईमेल अगर आपका है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया गया है आप घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, कार लोन लेना चाह रहे हैं, कौन सा लोन आप लेना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इनके पास जमा हो जाएगी और इसके बाद ये खुद आपको कॉल करेंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे कि आप वाकई गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सी लेना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बैंक अल इस्लामी के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।